नमस्कार, आप सभी का पाइसन नाइस किचन में स्वागत है। आज मैं क्रिसमस न्यू ईयर के लिए बिस्किट बना रही हूँ, चॉको कुकीज़। चलिए कैसे बनाते हैं आप सबको बना के दिखाती हूँ। बिल्कुल नई तरीके से बनाया, बिल्कुल सिंपल है। चलिए कैसे बनाते हैं आप सबको बना के दिखाती हूँ। क्रिसमस न्यू ईयर के लिए बिस्कुट बहुत ही ईजी है, आप कढ़ाई में भी बना सकते हो। ये बिस्किट बनाने के लिए मैंने एक कप में, ये मेजरमेंट कप है, आप चाहे तो कटोरी किसी भी सेट कर सकते हो। इसमें मैंने एक कप बटर लिया है और इसी कप से मैंने एक कप ब्राउन शुगर लिया है और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक कप लिया था और एक चौथाई छोटा कप मैंने और एक ब्राउन शुगर ऐड किया है और इन सबको अच्छे से मैंने मिक्स कर लूँगी। दोनों बटर और शुगर को अच्छे से मिक्स करना है, जब तक शुगर मेल्ट ना हो जाए तब तक के लिए अच्छे से इसको मिक्स करना है। आप चाहे तो इसको बेटर के सहायता से मिक्स कर सकते हो। अब मैंने इसमें एक अंडा ऐड कर रही हूँ, इस अंडे को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्पैचुला की सहायता से मैंने एक लकड़ी का स्पून लिया है, इसके सहायता से अच्छा से जोर से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें एक छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, आधे छोटे चम्मच, और उसके आधे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। जितना बेकिंग पाउडर लिया था उसका आधा मैंने बेकिंग सोडा लिया है और मैंने एक छोटे चम्मच वनीला एसेंस का पाउडर, शुगर पाउडर है, ये मैंने ऐड कर दिया है। अब मैंने जिस कप से बटर लिया था उसी कप से मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, उसको अच्छे से छान के रखा था। अब इसको भी इसी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा दूध ऐड कर दूँगी, ज़्यादा टाइट हो जाए तो। इसको अच्छे से ध्यान से मिक्स करना है, हल्का हाथों से, ज़्यादा इसको ज़ोर से नहीं मिक्स करना है। ये मैंने मिक्स कर लिया है, क्रम्बल जैसा हुआ है, डो जैसा नहीं हो रहा है, तो मैंने थोड़ा उसी कप से आधा कप दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसका एक डो जैसे तैयार कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा डालना है और मिक्स करना है, और कितना लगता है ये आपको मैं थोड़ा थोड़ा डाल के फिर मैं बाद में आप सबको बता दूँगी कितना मेरा दूध इस्तेमाल किया है। मेरा करीब 2 चम्मच करीब दूध और बच गया था। अब ऐसे इस तरह भी इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच मैंने चॉकलेट को, डार्क चॉकलेट को मैंने काट के रखा है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। और 4 चम्मच मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छा से मिक्स कर लूँगी इस लकड़ी के स्पून की सहायता से, बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे करके मैंने इसको अच्छा से मिक्स कर लेना है। ये चॉको चिप्स कुकीज जैसा है बट मैंने इसमें चॉको चिप्स नहीं डाला है, मैंने चॉकलेट को काट के डाला है, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट आता है इसमें ये बिस्किट। ये जो बिस्किट है किसी ने हैदराबाद गया था लाके मुझे एक बार दिया था, बहुत ही स्वादिष्ट है, कराची शॉप का नाम है, तो मैं उसके खा के मैंने टेस्ट करके मैं इसको बना रही हूँ, बहुत ही अच्छा बनता है ये, बहुत ही मैंने बहुत बार बना चुकी हूँ, फिर सोचा मैं आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छा से सेट हो जाए। ये मैंने अच्छा से सेट हो गया, 15 मिनट के लिए रख दिया है। अब मैंने एक बटर पेपर, पहले मैंने इस बटर पेपर में बिस्किट बनाया था वही वाला बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा हाथ में लेके इसको ऐसे गोल आकर देके और इसको थोड़ा सा हाथों से दबा देना है, वह ऐसे गोल करके रख लेना है और वो अच्छा से बन जाता है। देखिए इस तरह मैंने सारे बना लिया है। अब इसको मैंने ओवन में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हो। मेरा इस ट्रे में 12 पीस आ रहा है। अब मैंने ओवन को प्री हीट करके रखा है,
देखिए मेरा ओवन जो है प्री हीट है। अब इसको मैंने इसमें डाल के अच्छे से इसको 15 मिनट में ही पक जाता है ये बिस्किट जो है। देखिए इसको बंद कर देंगे। अब 15 मिनट, ये मेरा 15 मिनट हो चुका है। देखिए बिस्किट अंदर से अच्छा से देखिए फूल गया है। इसको आप निकाल लेंगे, चेक करके निकाल लेंगे। ये मेरा जो है कुकीज बन चुका देखने है। में ही देखिए कितना लाजवाब है। आप सब भी इस तरह बनाए, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बिस्किट है। ये देखिए मेरा बन चुका है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। एक मैंने ट्रे रखा है, जालीदार ट्रे, मैं उसमें निकाल ले लूँगी। अब जो बचा है दोबारा उसको इसी में बना लूँगी सारे बिस्किट। ऐसे करके मैं बना लूँगी सारे बिस्किट। देखिए मैंने सारे बिस्किट बना लिया है। अब देखिए तोड़ के अंदर से स्पॉन्जी, ऊपर से क्रिस्पी, कितना अच्छा स्वादिष्ट बिस्किट है। आप सब इस तरह बनाइए और खाइए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप सबका कैसे बना है। अच्छा लगा तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कर देना।